चलिए हूं इस्लाम से खारिज करने के। और ऐसे कुछ लोग हैं मुस्लिम समाज के जो नेता बनते हैं अपने आप को बड़े, वो मेरे लिए उल्टे सीधे फतवे दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं, अपनी नहीं देखते हैं कि गौकसी करवा रहे हैं, खुले सट्टे जुए करा रहे हैं और पूरी तरह से मुस्लिम समाज को बदनाम कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं तरह तरह की कि ये हिंदू बन चुकी है, इसे इस्लाम से खारिज कर दो। अब आपने इसकी शिकायत कहाँ कहाँ करी है? हमने सुबह इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया और अपने संगठन के लोगों को फ़ोन किया है कि हमारे साथ आज ऐसे ऐसे घटना हो गई है, पोस्टर लगा दिए। अब आप क्या चाह रही हैं? मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होना चाहिए सख्ती से सख्त। जो मेरे खिलाफ़ बोल रहे हैं और अगवा गर्म कर रहे हैं, पूरा माहौल गर्म करना चाहते हैं, इस देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, ज़मीनुल्ला जैसे लोग पूरे देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं, भड़का रहे हैं मुसलमानों को। जी मेरा नाम आसिफ खान है, मेरी पत्नी रूबी आसिफ खान ने भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की थी। वो देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देना चाहती हैं, लेकिन कुछ जिहादी मौलाना मुल्ला, कुछ राजनीतिक रोटियां सेकने वाले नेता वो देश में जो है आग फैलाने की कोशिश करते हैं, आए दिन फतवेदारी करते रहते हैं कि साहब ये हिंदू बन गई है, इसीलिए तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब भी 4-5 दिन पहले एक इनका फर्जी ट्विटर बनवा दिया गया और उस पर भी बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा था, मैं बता भी नहीं सकता आपको। उसकी लिखित तहरीर दी हमने, साइबर क्राइम पे थाने पे गए, कप्तान साहब के पास भी गए, उसके बाद भी ट्विटर चालू हुआ, अभी तक बंद नहीं हुआ। और अब ये हमने देखा बाहर कि हमारी रूबी आसिफ खान के नाम से पोस्टर लग रहे हैं, उस पर लिखा हुआ है रूबी आसिफ खान पूजा करती है, हवन करती है, ये काफिर बन गई है, ऐसे परिवार समेत जिंदा जला दो, हम सच्चे मुसलमान जमायतुल इस्लाम, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, ये सब उस पर लिखा हुआ है। तो अब तो हमें लगता है कि साहब कुछ लोग हमें बिल्कुल हमारी हत्या कराना चाहते हैं। अब हमें बहुत ज़्यादा परेशानी अब हो रही है, पहले तो हम सोच रहे थे कि कुछ नहीं है ऐसा, ये सिर्फ फतवे ही दे रहे हैं, लेकिन लगता है कि अब ये मेरी पत्नी और मेरे परिवार के पीछे पड़ गए हैं, अब ये कुछ भी करा सकते हैं। ये सब जिहादी मौलाना आए थाना रोरावत क्षेत्र के एक महिला श्रीमती रूबी द्वारा अपने घर पर धमकी भरे पोस्टर लगाए के जाने के संबंध में थाना रोरावर में तहरीर दी गई थी, जिसमें तहरीर के आधार पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई प्रचलित है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।